क्या कहना चाहेंगे आज जो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? तो नमस्कार आप सबको, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ ग्रैंड अवार्ड पे, सो मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। बहुत सारे एक्टर्स आए हैं हमारे इंडस्ट्री के, बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स बहुत लोग आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार प्रणाम, हम आप सब के अपन प्रदीप पांडे चिंटू। और आज चूँकि चौथा ग्रीन सिनेमा अवार्ड हो रहा बा 27 मार्च 2022 के मुंबई नगरी मीरा रोड के शिवार गार्डन में, और सबसे पहले तो हम तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता नहीं ये जौन सिनेमा अवार्ड से जुड़ल जितना भी लोग बा सब के दिल से बहुत बहुत आभार, आप सब लोग के बहुत बहुत आभार, जितने भी हमारे मीडियाकर्मी भाई बंधु जितने भी दोस्त मेरे आए हैं यहाँ पर, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और जैसा कि चूँकि ये भोजपुरी सिनेमा का अवार्ड समारोह अवार्ड फंक्शन है, तो यहाँ पर चूँकि जितने भी हमारे भोजपुरी सिनेमा परिवार के लोग हैं सभी लोग यहाँ पर, सबका आगमन हुआ है और बहुत अच्छा लगता है। यही चंद ऐसे कुछ मौके होते हैं क्योंकि हम लोग चूँकि शूटिंग्स पर अपने अपने कार्य में हर कोई अपने अपने कार्य में व्यस्त होता है, तो ये एक ऐसे शुभ अवसर ऐसा शुभ मौका मिलता है कि सब लोग एक साथ हो पाते हैं, मिलते हैं, कुछ अपनी बातें करते हैं। और चूँकि जो 2 साल से जो हमारे देश में या पूरे दुनिया में जो कोरोना महामारी ने जो चीज़ें जो डिस्टेंस जो बना दिया था लोगों में, तो ऐसे ही चंद अवसर होते हैं जो लोग करीब आ पाते हैं। और बाकी का कल जाओ इस सिनेमा अवार्ड्स के साथ हमेशा जुड़ल बानी, और जेकर ऑर्गेनाइजर बाड़े हैं विजय पांडे जी, उनके तहदिल से धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास करता रहन, और उनके तहदिल से शुभकामना और बधाई कि वो हमेशा ये प्रयास जीवन भर जारी रखें। अब वो तो अभी तक हमारा आया नहीं है, जब आएगा तो हम लोग को खुद ही पता चल जाएगा। हम लोग को बुलाया गया, हम लोग आ गए, और चूँकि एक परफॉर्मेंस भी है हमारा, तो देखिए होप करते हैं कि आप सबको बहुत पसंद आए। काजल जी क्या एक्सपेक्टेशन है आज के अवार्ड शो से, कुछ अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो तो जूरी ने डिसाइड किया होगा, उसको पता चल जाएगा बाद में, हम तो अभी बस हमारा परफॉर्मेंस है तो वो करेंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या होने वाला है। कौन से गाने पे परफॉर्मेंस करने वाले हैं? विवा 2 का सॉन्ग है, एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है इनका। हाँ, तू हंस के बोलू जान दिलवा के धड़कन बढ़ गई, बहुत अच्छा हिट गाना रहा है, पिछले वर्ष का बहुत बड़ा हिट गाना रहा है। एक हमारा सॉन्ग और एक हमारा सॉन्ग है कमांडो अर्जुन का, इनका सोलो है। हाँ, तो मिक्सर है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, आप सबको उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगा। चिंटू जी मिलते हैं परफॉर्मेंस के बाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।